आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तारामंडल स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक से किया। वहीं दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित योग दिवस में सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक विमलेश पासवान, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी सहित हजारों लोगों ने योग किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि सभी लोग योग करें, योग करने से दिमाग शांत रहता है। उन्होंने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा कि इन लोगों को मयूरासन करना चाहिए, जितने विरोधी हैं सब लोग मयूर बने, सभी को मोर बनना चाहिए। मयूरासन में लोगों को समझ में आएगा कि पीएम मोदी देश के लिए क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी, साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखपुर में 8 लाख लोग अलग अलग स्थानों पर योग किए, प्रतिदिन सभी को योग करना चाहिए, यही प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जो लोग भी अपने जूते उतार रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने दोस्त के साथ उपस्थित जनमानस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ भगवान शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरखनाथ इस अवसर पर माननीय सांसद महोदय के उद्बोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच आज योग करने का आज एक निर्णय लिया है, लोगों ने प्रण लिया है और कर रहे हैं। अभी हम वहाँ नौकायन पे थे, वहाँ से यहाँ आए, गोरखनाथ मंदिर पर भी हो रहा है, हर जगह पर योग का एक जो जागरूकता है उसको देख के हमको बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ गए हैं वो लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। कुछ ही पल में हम लोग योग आसन गुरु जी द्वारा शुरू करेंगे। योग के जो ट्रेनर हैं अभिषेक कुमार मिश्र जी आए हैं, रश्मि सिंह जी हैं और जयंत नाथ रश्मि सिंह जी आए हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। ये जो जो योगासन के आज गुण आप यहाँ से लेंगे, कृपया इसको रोज आप प्रैक्टिस करें। कुछ भी आपकी दिनचर्या रहे, कितना भी स्ट्रेस रहे, हर आदमी के जीवन में स्ट्रेस रहता है, हमारे जीवन में भी है। भाग दौड़ सबकी लगी है, 18 घंटे काम करते हैं हम, 19 घंटे काम करते हैं, कभी 3 घंटे नींद मिलती, 4 घंटे नींद मिलती है, लेकिन इसमें योग कसरत शरीर को आपको बना के रखता है, आपको मजबूत रखता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, योग को आप अपने जीवन शैली में ज़रूर लाएँ। आपको एक तो अध्यात्म से, ईश्वर से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाएगा, ये एक आप शक्ति पाएंगे, आप अपने शरीर को पहचान पाएंगे, आप अपने अंगों से बात कर सकते हैं। अगर आप योग की साधना में उस लेवल पर पहुंच गए तो आपको स्वयं अपनी बीमारी को आप हील कर सकते हैं। आप अपने जो लोग योग करते थे उन लोगों ने भी पाया कि योगा वाली शरीर, जो योग करने वाली शरीर है, उसको कोरोना अटैक नहीं कर पाया, कोविड अटैक नहीं कर पाया। तो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप बचते हैं, हार्ट अटैक से आप बचते हैं, आप बूढ़े नहीं होते हो जल्दी, आपकी स्किन ढलती नहीं है, आपकी स्किन पे चेहरे पे चमक रहती है। तो ये आप ज़रूर अपनाएं, यही मैं निवेदन बना के रखा है आप लोगों ने। कई सालों से आप 700 से ज़्यादा फिल्मों में देखे हैं और मैं इतना कसरत वगैरह करने वाला व्यक्ति की जो शूटिंग एक्शन फिल्मों की ले आए, कहीं पर भी रहें, 20 मिनट 25 मिनट अपने शरीर को रोज़ सवेरे कसरत के लिए दें। अगर 1 घंटा देते हैं तो बहुत अच्छा है, जल्दी में है तो 20 मिनट कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार आप धारित करते हुए जो समय निर्धारित किया, दूर दूर बैठे जल्दी करेंगे। डॉक्टर कुमुक मैम बच्चों को, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, योगा मनुष्य जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रहे, आज योग वैश्विक सहयोग का पारंपरिक आधार बन रहा, आज योग हम आज स्वयं
देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ गई। ये दिखा दो, ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें, ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और सामी मानवीय चेतना की तस्वीरें। खासतौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, इन परिस्थितियों में देश भी महाद्वीप के चुनावों के ऊपर योग दिवस का ये उत्साह ये हमारी तीव्रता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया, योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। विश्व सोसाइटी योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड एंड योगा ब्रिंग पीस टू अवर यूनिवर्स। This by fear and stream for लोग आसन में बैठ जाएंगे प्रार्थना के लिए। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। तुम शंभो मनासि जानताम्। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भात हम सभी छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। लंबाई और झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाई तरफ झुकाएं। बाईं ओर के अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव में सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर ले घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक स्कंद संचालन, स्कंद और भुजाओं का संचालन। कंधे की अगला समस्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो।
श्वास लेते हुए गगन से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेली बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ये एक चक्र है। एक और बार उठाएं। लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में एक फुट की दूरी बनाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आए। ये एक आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाए, पंजों पर संतुलन बनाए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहते हुए हाथों को नीचे लाए। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। हृदय भीड़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति से अचुके जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे, रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव खींच चुके और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखे, दाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। हम सब अभी महंत दिग्विजयनाथ पार्क में थे। ये रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि श्री रवि किशन जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री विमलेश पासवान जी, श्रीमती निर्मला द्विवेदी जी, जनपद के सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, आयुर्वेद विभाग के सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। सब ने योग किया और संदेश दिया कि प्रतिदिन इसी टाइम पर YouTube पे ये योग का प्रोटोकॉल उपलब्ध है। लोग आज तो उनको एक प्रकार से प्रेरित किया गया है और उद्देश्य यही है कि इस प्रोटोकॉल को चला लें और इस प्रोटोकॉल का कम से कम 1 महीने तक पालन करें। इसके बाद कोई विशेष रोग से ग्रसित हैं तो उस रोग के योगा को करते हुए अपना कार्यक्रम, अपने योग से अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी जो चेतना है हम सब के जीवन में एक नए संचार का भाव उत्पन्न करेगी, जिससे हम लोग निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बस यही, सब लोग योग करें। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया, इसको जरूरी है करना। निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे।